को तेरी जरूरत है। ए पावनात मां, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात मां, मुझको तेरी जरूरत है। ए पावनात मां, प्यास बुझाने तू आ जा। हे पावनात मां, मैं तो प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ जा। हे पावनात मां, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात मां, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात मां, मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आ जा। हे पावनात मां, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात मां, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात मां, मुझको चंगा करने तू आ जा। हे पावनात मां, मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आ जा। हे पावनात मां, मुझको जरूरत है। हे पावनात मां, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात मां, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है।
कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे सजाया है, तूने मुझे सजाया है। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आइए हम अपने संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु का स्वागत करें उन सारे देवदूतों संतों के साथ, मां मरियम के साथ। हम सब अपने जीवन परिवार अपने सारे परिस्थितियों में ईश्वर का स्वागत करें। पूरे विश्व के मानव जाति में प्रभु आपका स्वागत है, क्योंकि तूने कहा तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमको प्यार करता हूँ। हे प्रभु,
तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं इस दुनिया में आया, तो किसी एक व्यक्ति को प्यार नहीं करता, बल्कि समस्त मानव जाति को प्यार करता है। तेरे चरणों में पूरे विश्व के मानव जाति को हम सब तेरे चरणों में चढ़ाते हैं प्रभु, तुझसे क्षमा मांगते हैं कि हम पापी, हम दुर्बल हैं, हम कमजोर अयोग्य हैं प्रभु, तेरे पास आए हैं क्योंकि तूने कहा जो मेरे पास आता मैं उसे नहीं ठुकराऊंगा। हम तेरे प्रतिज्ञाओं में विश्वास करते हुए हम सब अपने आप के साथ, परिवार के साथ, पूरे मानव जाति को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए पूरे विश्व में तेरा राज्य आने के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ। हे अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए, सूली पर अपने प्राण त्याग दिए, तेरे क्रूस मरण द्वारा, तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए, आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है, जीवन का स्रोत फूट निकला है, और तेरे पवित्र हृदय से, और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए, सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमर पड़ा, दया का सागर उमर पड़ा, जीवन के स्रोत, जीवन के स्रोत अथा ईश्वरीय दया, अथा ईश्वर दया सारी दुनिया को, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले, अपनी करुणा से ढक ले, और अपना सर्वस्व, और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर, हमारे लिए अर्पित कर, यीशु के पावन हृदय से, यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए, हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में, दया के स्रोत के रूप में बह निकले, बह निकले हे रक्त और जल, हे रक्त और जल हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीतो और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। हे प्रभु, आपने कहा निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। संसार के मुक्तिदाता, हमें प्यार करने वाले, हमें क्षमा करने वाले ईश्वर, आपके चरणों में संसार भर के हर प्रकार के रोगियों को तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ प्रभु। कितने भाई बहन हैं जो अभी अभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हे प्रभु उन पर अपना अधिकार लीजिए, उन्हें सांत्वना दीजिए, उन्हें बल दीजिए प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, आज कितने लोग इस समय तेरी दया और करुणा मांग रहे हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए। हे दयालु प्रभु, आज ऐसे संसार भर के हर प्रकार के रोगी भाई बहनों को तुझे समर्पित करती हूँ, विशेषकर हमारे उन सारे प्रभु नवजात बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो छोटे छोटे गोद के बच्चे हैं। प्रभु आपने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उसे आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग राज उन जैसे लोगों का है। आज जितने छोटे बच्चे बीमार हैं, उन्हें पीलिया है, दिल में छेद है और नाना प्रकार के रोग उन्हें प्रभु जकड़ लिया है, ऐसे बच्चों को स्पर्श करना यीशु, उन्हें स्पर्श करना, अपने लहू से धोकर
उन्हें अपने पवित्र हाथों से चंगा करना, यह दया मांगते प्रार्थना करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस भेद में हम दोनों हाथ उठाते हुए संसार भर के शराबियों के लिए प्रभु से दया की भीख मांगे। प्रभु यीशु, इस समय समस्त संसार के सारे शराबी और नशेड़ियों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करती हूँ, क्योंकि आपने कहा यह मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आज संसार भर में जितने शराबी शराब पीते हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं प्रभु, शराब को छोड़ना चाहते हैं, नशे का सेवन नहीं करना चाहते हैं, हे प्रभु उन सबों पर अपना अधिकार लीजिए। प्रभु जितने बहनें, जितनी हमारी माताएं अपने परिवार के लिए इस समय दया की भीख मांग रही हैं कि प्रभु तो हमारे पति, हमारे बेटे, हमारे भाई को शराब से मुक्त कर, आज इस स्थान से उनकी प्रार्थना तेरे स्वर्ग के सिंहासन तक पहुँचे और उनके जीवन से शराब की आत्माओं से पूर्ण आज़ादी मिलने के लिए, वह शराब पीकर नहीं बल्कि तेरे आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जीने के लिए तेरी दया मांगते प्रार्थना करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। वचन कहता है, मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आहे भरती हो, प्रभु पर भरोसा रखो। प्रभु इस वचन की सहायता से
आज हमारी सारी निसंतान बहनों को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करती हूँ, जो एक संतान सुख के लिए ना जाने कितने सालों से वह तड़प रही हैं, अपने ही परिवार द्वारा तिरस्कृत है प्रभु, अपने ही परिवार द्वारा प्रतिदिन वह आहें भरती है। हे प्रभु, एक बच्चा न होने के कारण पति भी उसे त्याग देता है, दूसरी शादियां कर लेता है। हे दयालु पिता, उसकी आह भरी प्रार्थना तेरे स्वर्ग के सिंहासन तक पहुँचे प्रभु। वचन कहता है, प्रभु मेरे विपत्तियों का विवरण मेरे आंसू का लेखा तेरे पास है। उनके आंसुओं का लेखा, उनके विपत्तियों का विवरण तेरे ही पास है प्रभु। आज उन सारे निसंतान बहनों के लिए तुझसे मांगती हूँ यीशु, क्योंकि तूने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज तेरे पुत्र यीशु के नाम पर सारे निसंतान बहनों को संतान प्राप्ति के लिए तेरी दया मांगते प्रार्थना करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्व शक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्व शक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्व शक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। करुणामय दयालु प्रभु, आपके हाथों में समस्त संसार के सारे जवानी वतीतियों को तुझे समर्पित करती हूँ। वचन कहता है, तूने स्वयं कहा फसल बहुत है मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। आज दुनिया में कितने ऐसे बच्चे जवान पड़े हुए हैं प्रभु, आज उनके जीवन में तेरा स्वागत है, तेरा राज्य आवे प्रभु, तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता की खोज में उन्हें लगा दे, ताकि प्रभु अपने सच्चे ईश्वर की सेवा करें, उनके द्वारा बहुत सारे लोगों को जीवन प्राप्त हो सके। संसार भर के सारी युवत युवतियों को तेरे चरणों में रखते हुए हे प्रभु, तेरे दाखबारी की योग्य जीवन जीने के लिए उन्हें आशीर्वाद आत्मा का अभिषेक प्रदान कर, यह दया मांगते प्रार्थना करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार
संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। दयालु प्रभु इस समय सारे टूटे परिवारों में आपका स्वागत करती हूँ। प्रभु तेरा राज्य आने के लिए तेरी दया की भीख मांगती हूँ। आज दुनिया में परिवार के परिवार टूटते जा रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, हे प्रभु सब टूटा बिखरा हुआ पड़ा है। सब अपने स्वार्थ और अहंकार में एक दूसरे को तुच्छ समझ रहे हैं। तेरा स्वागत है प्रभु, तेरा राज्य आवे प्रभु ऐसे परिवारों में जिन परिवारों में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े हैं, बना बनाया भोजन लोग नहीं ग्रहण कर पाते हैं, उसे फेंक देते हैं। हे प्रभु तेरा राज्य आवे। वचन कहता है इसराइल का प्रकाश आग परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा, वो एक ही दिन में तेरे कटीले झाड़ झंखाड़ जलाकर भस्म कर देगा। ऐसे परिवारों से, ऐसे भाई बहनों के जीवन से, हम सब के जीवन परिवार से ऐसे कटीले झाड़ झंखाड़ को जलाकर भस्म कर दीजिए। ऐसे परिवारों में तू अपना लहू छिड़क कर शुद्ध कर, तेरा राज्य और तेरी महिमा प्रकट हो जाए, वह परिवार तेरा हो और तू इस परिवार का केंद्र बन जा। यह दया मांगते प्रार्थना करती हूँ हे सर्वशक्तिमान पिता। हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं, उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुःखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस समय हम विश्वास का वरदान, भरोसे का वरदान मांगते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र और पुत्रियों पर, आपके पुत्र और पुत्रियों पर करुणा कर, करुणा कर, हम और हमारे माँ बाप, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, भाई बहने, हमारे अधिकारी और नेताओं के द्वारा, हमारे अधिकारी और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा
क्षमा कर दे, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से, अपने पावन लहू से हमें हमारे परिवारों, हमें हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का, और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, अभिषेक कर, आप हमें अपना बनाकर, आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा, आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें, संचालित करें। आमीन, आमीन। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए यीशु के पवित्र रक्त द्वारा चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तूने संसार से इतना प्रेम किया, तूने संसार से इतना प्रेम किया कि उसके लिए, कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा, तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा हमारी मुक्ति होती है, हमारी मुक्ति होती है। तेरे पुत्र का पवित्र रक्त, तेरे पुत्र का पवित्र रक्त हमारे पापों को मिटाता है, हमारे पापों को मिटाता है, हमें शुद्ध करता है, हमें शुद्ध करता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनके शरीर से, कि उनके शरीर से बहे एक एक बूंद, बहे एक एक बूंद पवित्र रक्त द्वारा, पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगा कर, रोगियों को चंगा कर। यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है,
यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। आइए आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसके जीवन दान के लिए, स्वस्थ के लिए, सुरक्षा के लिए, बहुत से आशीषों के लिए। आज जितने भी लोग यहाँ आए, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा से जुड़े हैं और हमें आज हाजिर हैं, सब कुछ के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। ईश्वर ने आपकी यात्रा को सफल बनाया, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग कुछ मतलब लेके आए हैं, ईश्वर उनके मतलबों को स्पर्श करे, छुए, पूरा करे और हर एक व्यक्ति को स्वस्थ प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे। जितने भी लोग बेरोजगार हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर उनको अपनी आशीष दीजिए, कृपा दीजिए और उनको उनके लिए रोजगार का प्रबंध कीजिए। जितने भी लोग निसंतान हैं, उनको संतान दे। आज जितने भी लोग कठिन से कठिन बीमार से जूझ रहे हैं, हम लोगों से प्रार्थना की आशा किए हैं, मांगते हैं, सबों को हम प्रभु के चरणों पर अर्पित करते हैं। ईश्वर उनको स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे, स्वस्थ प्रदान करे, आशीष दे और इस घड़ी भी दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें कि इस दुख में ही वे यीशु को देख सकें। इस मतलब के लिए हम तेरी स्तुति और आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तूने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें तेरे प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। तूने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर और उसके बलिदान की योग्यता से रोगियों के पाप क्षमा कर एवं उन्हें चंगाई दे। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु के आशीष के लिए अपने को तैयार करें।
तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, हमें छुड़ाने हमें बचाने, हमें छुड़ाने हमें बचाने, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है।